हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। सो गाइस, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की शेयर जो है वो 1.5% है और मेरा ये मिशन है कि मैं इसको जो है वो 20% पे लेकर जाऊं और इस मिशन में हमारा साथ दें। मेक मनी नाउ, आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एहसान आरिफ खान, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक एक्सपर्ट शहरयार साहब, जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। लोगों के हमसे कुछ सवाल थे और स्टॉक मार्केट के हवाले से, मार्केट के हवाले से, और हमने इस वजह से उनसे आज इंटरव्यू किया है और जिसका जवाब आज ये देंगे हमें सब। कैसे आप सर? सर, सबसे पहले तो बताएं कि कल मार्केट 600 पॉइंट पर थी और आज जो है 800 पॉइंट प्लस पे ऊपर गई, तो मार्केट में अचानक इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? देखिए, कल मार्केट 600 पॉइंट माइनस नहीं थी, कल मार्केट से 12 पॉइंट माइनस में बनी हुई थी। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट फ्लैट थी कल। इससे पिछले हफ्ते हमने देखा था मार्केट में 1500 पॉइंट निकल गए थे। आपकी बात वजह है कि एकदम से क्या चेंजेस आ गए, मार्केट एकदम से बदल गई और आज 806 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बन गए और इंडेक्स हमारा 46,542 पे बन हुआ। इसकी बड़ी वजह तो यही है, देखें IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुजाकरात हैं, डेडलॉक आ गए जिसकी वजह से सारी चीजें, ये मामला रुके हुए थे। एक बार फिर शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आमन खान शो में एक ये बताया कि ऑलमोस्ट डन हो गई हैं चीजें और फाइनलाइज हो गई हैं, किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। एक वो पॉजिटिव न्यूज थी। फिर हमने देखा कि डॉलर तेजी से बढ़ रहा था और 169 से बढ़ के दोबारा 176 तक गया। उसके बाद दो दिन हो गए कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। कल भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए जायद हमने कमी देखी और आज भी हमने देखा है कि 174 के आसपास ये बंद हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस मिला इन्वेस्टर को। तो उसके बाद आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइस की समरी गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास, अराउंड 5 रुपए बढ़ाने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। तो ये चीज भी एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दी। फिर ऑलरेडी प्राइसेस नीचे हैं और हम बार बार ये कह रहे थे कि IMF से मुजाकरात हो जाएंगे तो मार्केट थोड़ी बेहतर होगी। इसी उम्मीद पे आज इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री थी और रिजल्ट आपके सामने। आज मेरी एक फीमेल इन्वेस्टर से भी मुलाकात हुई और उनका कहना था कि मार्केट में जो है वो डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है 10-50% तक, और वो एक सवाल भी उनका था कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस वक्त मतलब करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कब करें, किस तरह करें, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि मार्केट जब भी नीचे आती है, मार्केट डिस्काउंट होती है, तो जब एंट्री लें। अगर आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं तो पिछले 2-3 दिन से हम यही कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने का टाइम है, क्योंकि कोई भी आप मार्केट देख रहे हैं, कोई भी स्मार्ट जो ट्रेडर होता है या व्यापारी होता है, वो जब भी मार्केट में एंट्री लेता है जब मार्केट में बहुत मंदी हुई होती है, ठीक है, उस वक्त जो लोग कॉन्फिडेंस से मार्केट में एंट्री ले लेते हैं और बाइंग कर लेते हैं जब मार्केट रेड जोन में होती है, तो वो कुछ मार्केट से गेन कर लेते हैं और पैसे बनाने में कामयाब भी होते हैं। यही हमने देखा कि मार्केट डिप्रेस थी, काफी नीचे थी और अच्छी खबर की तलाश में थी जो मार्केट को कल और आज मिली है, जिसकी वजह से मार्केट में बूस्ट आया। कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो मीडिया पर आकर कह रहे थे कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए और जो है इस वक्त बेहतरीन है मार्केट, और कुछ पे लोगों ने किया भी है और जिसकी वजह से मार्केट नीचे भी आई थी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो मीडिया पर आके जो ब्रोकर्स ने कहा कि मार्केट इस वक्त अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम नीचे मार्केट देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि क्या वो मैसेज? मेरा कोई ज्यादा मैंने कोई देखा तो नहीं, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने एडवाइस की थी तो ये आप आज की मार्केट का रिजल्ट आपके सामने, 600 से ज्यादा पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ है, तो टाइम अच्छा था बाइंग करने के लिए, वहां पे एंट्री ले सकते थे। सीमेंट्स में जिस तरह कोल प्राइस दुनिया में नीचे आई है, एक बाइंग लेवल बन गया था। इसके बाद टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट कर चुकी थी अपने पास और 45,900 के पास मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्टिंग लेवल था। 45,700 ये दो बहुत अच्छे सपोर्टिंग लेवल थे कि टेक्निकली आप देखें तो मार्केट ने रिबाउंड किया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है बुलंदियों को छोड़ी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? मार्केट के हालात के हिसाब से क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल, टेक्सटाइल का सेक्टर बहुत अच्छा है और आज भी जो आज के नंबर है अराउंड 25% इंक्रीज आया टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के अंदर, और जिस तरह गवर्नमेंट इनको सपोर्ट भी कर रही है, बेनिफिट दे रहे हैं टेक्सटाइल को, और जो गैस का बहरान आने वाले दिनों में सर्दियों में हम सुनने में आ रहे हैं इसमें, वो तो गवर्नमेंट के प्लान यही कि जो टेक्सटाइल की जो सनअतें जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको इससे मुबर्रा करार दिया जाएगा और उनको लातातुल गैस मिलेगी, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। फिर डॉलर डेप्ट जो है इंक्रीज कर गया, रूपी डेप्रिसिएट कर रहा है, तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनके प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा ही आएंगे, अच्छे आएंगे। टेक्सटाइल के जो स्टॉक है आज भी पाकिस्तान के मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजूहत क्या है? इसकी मेरे ख्याल में मार्केट की जो डायनामिक्स थे वो थोड़े से खराब थे, सेंटीमेंट खराब हुए थे, सेलिंग हो जाए। जो यू आप देखेंगे मार्केट रिबाउंड कर रही है, जिस तरह से आज मार्केट रिकवर हुई और आने वाले दिनों में मार्केट रिकवर होती है, तो टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हमें ऐसा लगता है
मार्केट में काफी जान है और ये आप देखेंगे आप सबसे ये भी रिपोर्ट करेंगे। सरमायाकारी दिलचस्पी मार्केट में नजर नहीं आ रही, वॉल्यूम जो है वो काफी डाउन है, तो वो किस तरह से क्या वॉल्यूम किस तरह से हमारा बेहतर हो सकता है, क्या उसमें देखिए इसके लिए तो दो चीजें, एक तो पिछले दिनों हमने देखा कि वॉल्यूम इनकम से मार्केट में ड्रॉप हो गए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी जो नया सॉफ्टवेयर आया था उसकी वजह से ट्रेडिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, लोगों की जो ट्रांजेक्शन थी वो फंस रही थी, कुछ सौदे हो रहे थे नहीं हो रहे थे, उस वजह से जब मार्केट पीक पे थी अच्छी खबरों के बावजूद सॉफ्टवेयर के मसाइल पैदा हुए थे जिसपे सीरीज भी होने जा रही है और फिर वो प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब हम पुराने सॉफ्टवेयर पे आए तो फिर IMF के इश्यूज आ गए, फिर डॉलर डेप्रिसिएट हुआ जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो वजूहत थी जिनकी वजह से सरमायाकार मार्केट में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वंस आप देखेंगे कि IMF के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर आ गई और पाकिस्तान को कहीं से फंड्स मिल जाते हैं तो मार्केट के आप बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है उसके हवाले से बताएं, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या कम है, क्या किस तरह से बढ़ सकता है? देखिए इंटरेस्ट रेट काफी कम किया हुआ था पाकिस्तान में और काफी बेनिफिट भी उठाया है सनअतों में, खासतौर पर सीमेंट्स में और जो हमारे ऑटो सेक्टर है इसको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है इससे, जब से इंटरेस्ट रेट कम था। अब क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डबल डिजिट में हमारी इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब ये बात तो तकरीबन यकीन है कि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्टिंगली देखना ही होगा कि कितना इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक इस बार बढ़ाता है, तो और मेरे ख्याल में तो 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक मार्केट ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुकी है और इंटरेस्ट रेट को लेकर मार्केट ने अब्सॉर्ब कर लिया है, और इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वो मार्केट के लिए परेशान हो सकता। मार्केट जो है 887 पॉइंट प्लस जो है हो गई और इन्वेस्टर जो है वो डर भी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सक रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगर आप मार्केट में काम करने आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना ही पड़ता है, ठीक है? अगर आप अच्छे स्टॉक्स अच्छे टाइम पे उठा लें, डिप्स पे उठा लें जब मार्केट रेड जोन में हो, तो कोई वजह नहीं है कि आप उसे गेन ना कर सकें। यही मार्केट पिछले हफ्ते दे रही थी, चांसेस दिए मार्केट में काफी ज्यादा और वहां से आज रिकवरीज भी देखने में आई और आने वाले दिनों में भी थोड़ा लग रहा है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकती है। तो इन्वेस्टर्स को मेरी ये एडवाइस है कि जब भी डिप्स आती है पोर्टफोलियो मैनेज करें वहां से और डिलीवरीज के ऊपर काम करें। मार्केट रिवर्स हो जाती है तो उसमें क्या फिर लिया जाए, क्या काम किए जाए, क्या देखिए वेट करा जाए, क्या किया जाए? मार्केट रिवर्स हो जाती है तो उसकी रीजन होने हमें पता होने चाहिए, क्या वजह है मार्केट क्यों रीजन, क्या वजह है कि मार्केट रिवर्स हो रही है, वजूहात पे जाना चाहिए। और इस वक्त मुल्क में अलग शुगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट इस तरह से रिवर्स हो। हमने देखा कोविड में मार्केट रिवर्स हुई थी और मार्केट 44,000 से गिर के 28,000 तक आ गई, वो टाइम ऐसा था अगर लोगों को वजूहात पता नहीं हो, पता था कि फिर इंशाल्लाह रिकवर करनी है, क्योंकि कंपनी तो अपने यहाँ मौजूद ही थी, आर्थिक तौर पर लॉकडाउन लगा था और उस वक्त जिन लोगों ने वजूहात जान के एंट्री दी मार्केट में आज उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए मार्केट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद करता हूँ कि लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, अपने जो सवालों के लोगों के सवाल थे। तो जी ये हमारे साथ मौजूद थे शहरयार भट्ट साहब जो कि एज एन एक्सपर्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे हमने सवाल जवाब किए और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आप लोगों के सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।